नमस्कार, मैं हूँ जाबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेनिट टाइम्स। जेनिट टाइम्स की टीम इस समय पहुँच चुकी है भोजपुर धर्मपुर की नगर पंचायत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जफर भाई के कार्यालय पर। इस समय हम मौजूद हैं और जफर भाई से सीधी बात करते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं विकास को। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर नजमुन निशा। सर, आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं तो आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी है? बहुत अच्छी पार्टी है, सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, समाज को एक साथ लेकर चलती है ये कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये पार्टी हमने चुनी है। आपके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? हमारे विकास के मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर सफाई बहुत कम है। अगर यहाँ की जनता ने हमें यहाँ का चेयरमैन चुना तो हम कर्मचारी भी बढ़ाएंगे। एक कर्मचारी ने हमसे सवाल किया कि आप कर्मचारी यहाँ कैसे बढ़ा दोगे, तो हमने उससे ये कहा कि हम यहाँ नगर पंचायत को आमदनी का जरिया बनाएंगे, नगर पंचायत को अमीर करेंगे, ऐसे विकास करेंगे जो कि नगर पंचायत को हमारी इनकम हो, और जब इनकम होगी तो हम कर्मचारी भी बढ़ा देंगे। तो सर, नगर पंचायत को किस तरीके की इनकम होगी यहाँ पे? नगर पंचायत को इनकम होगी कि यहाँ पर भोजपुर की नगर पंचायत में कोई भी एक दुकान नहीं है किसी भी तरह की। हमने देखा है बाहर कि बहुत मार्केटें बनी हुई हैं नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, किराया मिलता है उसी से ही जो है वहाँ की सरकार चलती है। यहाँ एक रुपए की यहाँ की नगर पंचायत को इनकम नहीं है, इसलिए नगर पंचायत बहुत खसारे में है, इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई कर्मचारी भी ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। जो यहाँ के वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं उनके किस तरीके के विकास कार्य रहे हैं और उन पर क्या मुद्दे, उन्होंने विकास कार्य कराए यहाँ पर? उनके विकास कार्य ये रहे, उन्हें पता ही ना विकास क्या चीज़ होती है जो पिछले चेयरमैन रहे, बस खाली सड़कें ही बनाई हैं उन्होंने, उसके अलावा तो उन्हें जानते नहीं थे वो ना किसी तरह की कोई जानकारी। तो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ की जनता ने मुझे बताया तो मैं बताऊंगा विकास कार्य क्या होता। बिरादरीवाद होती थी, अब कोई बिरादरीवाद नहीं है। मुझे उस सारी जनता का, जो भूतपूर्व चेयरमैन था उसकी जनता का सारा मुझे समर्थन मिल रहा है और वो सब लोग मुझे लड़ा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी चाहते हैं कि सर यहाँ पर जो जफर भाई चेयरमैन का पद उम्मीदवार है तो किस तरीके का वो विकास कार्य कराएंगे? वो बहुत अच्छा विकास कार्य कराएंगे क्योंकि पहले से ही वो कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कि सुपरफास्ट का मतलब हुआ और राशन का मतलब हुआ, उस मुद्दे पर काफ़ी इन्होंने आवाज़ उठाई है पहले भी। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया था कि ये चेयरमैन के पद पर भी नहीं है और फिर भी जनता को पूरे विकास कार्य करा रहे हैं, तो वो किस तरीके से करा रहे हैं? ये हमेशा जनता के बीच में ही रहने वाले हैं, कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी केस आता है तो ये झट से सॉल्व कर देते हैं उस चीज़ को। पहले भी काफ़ी बार सुपरफास्ट का मतलब हुआ, उसमें भी इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके अंदर क्वालिटी है जो कि जिसकी वजह से जो आम पब्लिक है इनके सपोर्ट में आ रही है। अच्छा, इन्हीं की समाज सेवा को देखकर जो जनता का समर्थन इनको मिल रहा है? हाँ, काफ़ी समर्थन मिल रहा है, सारी बिरादरी का वोट मिल रहा है इनको। आए दिन ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हमेशा काम में आने वाले लोग हैं, ये हमेशा गरीबों की मदद करी है इन्होंने, और ये बिल्कुल इनके अंदर सियासत नहीं है, बिल्कुल सियासत नहीं है कि मुझे अगर मैं यहाँ का चेयरमैन बना तो मैं नोट भरूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ विकास के लिए ही पैदा हुए हैं और विकास ही करते हैं, ये आज तक इन्होंने विकास ही किया है। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया कि चेयरमैन नहीं है और तब भी जो है जनता का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, जनता का काम करते हैं, काफ़ी इनके पास जो है मतलब फैसले आते हैं, किसी का जमीनी विवाद है तो उसको ये सुलझाते हैं, और किसी का अगर कोई पैसे भी मार लेता है, कोई गरीब गुरबा इनके पास आ जाता है तो बिल्कुल निस्वार्थ उसके हरदम उसके साथ रहते हैं, ये हमने खुद देखा है। इनकी समाज सेवा को देखकर जनता का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको समर्थन पूरी 100% समर्थन मिला गरीब जनता का इनको। अगर ये चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या कहेंगे? अरे, चेयरमैन अगर ये बन गए, चेयरमैन तो ऐसे ही आदमी बनना चाहिए, अब शिक्षित हैं ये चेयरमैन, बहुत माइंडेड आदमी है भाई, ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुत माइंडेड पढ़े लिखे लोग हैं ये। ये थे हमारे साथ जनता, इन्होंने कहा है अभी कि यहाँ पे बहुत ही शिक्षित और जुझारू किस्म के हैं जो समाज से भी करते चले आ रहे हैं बरसों से। मैं अपने सहयोगी के साथ जाबिर हुसैन, जेनिट टाइम्स, मुरादाबाद देहात।